हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। पहले तो ये बता दूं, जब मैं भोजपुरी में आ रहा था ना भैया, तो मुझे कई लोग कहने लगे कि साहब जो मैंने कुछ सब्जेक्ट आपको इस तरह सुनाया कि लोगों ने आपको उस तरह भी कई देखा, तो बोले नहीं यार तुम क्या बना रहे हो। मैं सब सब्जेक्ट तो ये है, उसका रिजेक्ट कर लिया, आपने पास कर दिया, आपने पास करा। बोले नहीं यार ये नहीं चलेगा। मैंने कहा जब मेरा हीरो पास कर दिया मीन्स वही चलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे परिवार की कहानी है। दुनिया का मतलब ये है जे एक पिता को समझने के लिए, एक माँ को समझने के लिए, एक बेटा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग ने सब्जेक्ट को करने का काम किया ताकि जो बच्चे भटके हुए हैं वो कम से कम अब उस माँ बाप की अहमियत को तो समझे, जिस माँ बाप ने हमारे खिलौने के लिए अपना पेट काट काट कर हमारी खुशी के लिए काम किया। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम उनको दरकिनार कर देते हैं और हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। आप जितने बड़े स्कूल में जाएंगे सर, जितने बड़े अपने बच्चों को अमेरिका भेज दीजिए, कल चल के उतना ही छोटा अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम आपके लिए ढूंढेगा। रीजन है कि इतना बड़ा कर देंगे कि उसकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना बहुत जरूरी है। आप उसको अमेरिका पढ़ाइए लेकिन संस्कार से दूर उसको मत करिए। इसी की कहानी है ये दुनिया। और हम लोग कोशिश किए हैं कि हर बच्चे संस्कार में पले और संस्कार में ही बड़ा हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.